बन रहा है सत्तू का पराठा। ये बहुत ही टेस्टी होता है, खास करके ठंडे के मौसम में जरूर खाना चाहिए इसे। चलिए बनाते हैं आज सत्तू का पराठा, देखते हैं कैसे बनता है ये। इसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा 2 कप, सत्तू 1 कप, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, मस्टर्ड ऑयल, अदरक बारीक कटा हुआ, लहसुन बारीक कटा हुआ, मिर्ची बारीक कटा हुआ, कस्तूरी मेथी, नमक, अजवाइन, नींबू का रस। अब सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। नमक, रिफाइंड ऑयल, इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें पानी डालकर एक नॉर्मल सख्त डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार हो चुका है। अब सत्तू के मसाले को बनाएंगे हम। इसमें प्याज डाल दिया हमने, मिर्ची, अजवाइन, अदरक, लहसुन, कस्तूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार, लेमन जूस, सरसों का तेल। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर अच्छे से मिक्स होना चाहिए। फिलिंग बनकर तैयार है। चलिए अब पराठे बनाते हैं। मैंने आटे का एक पोर्शन ले लिया है। प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आटा छिड़क लेंगे और यूं कटोरी का शेप देंगे हम। अब हम इसमें सत्तू को डालेंगे। इसे हम कॉर्नर से दबाते हुए लॉक कर लेंगे। साइड्स को एक जगह लेके एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे। ये तैयार है। अब हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है, अदरवाइज फटने के चांसेस होते हैं, फिलिंग बाहर निकल जाते हैं अगर हल्के हाथों से ना बेला गया तो। चलिए अब हम इसे तवा पे सेकते हैं। तवे पे डालकर हम इसे उलट पुलट कर सेकेंगे। इसे हम घुमाते रहेंगे बीच बीच में इस तरीके से। अब हम इसे ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। दूसरे तरफ भी हम ऑयल लगा लेंगे और ग्रीस कर लेंगे। इसे अब हम चम्मच से दबा दबा कर सेकेंगे। ये बन चुका है। चलिए अब हम सर्व करते हैं। गर्मा गर्म सत्तू का पराठा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप भी इसे अपने घर में बनाइए और इंजॉय कीजिए।